नेताजी के घर से उठी आवाज, इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर किया जाए। नेताजी के भतीजे के सामने एक सुर में उठी आवाज, जल्द ही प्रस्ताव पर लिया जाए फैसला। नेताजी के सम्मान के लिए जिला पंचायत एकजुट, सरकार के पास जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। कर्मभूमि और जन्मभूमि में फंसा पेच, अखिलेश मौन, धर्म संकट में सीएम योगी, कोई मैनपुरी तो कोई इटावा का नाम बदलने पर अड़ा। नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर पद्म विभूषण का ऐलान तो हो ही गया, लेकिन इस बीच अब इटावा जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आया है और नेताजी के घर से ही आवाज बुलंद हो रही है कि इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर किया जाए। सिर्फ इटावा ही नहीं, मैनपुरी को लेकर भी इसी तरीके के सुर उठ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मौन है और शिवपाल सिंह यादव भी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव अंशुल का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल इटावा जिला पंचायत में प्रस्ताव रखा गया है कि इटावा का नाम बदलकर नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर मुलायम नगर रखा जाए। जिला पंचायत प्रस्ताव पर एकजुट दिख रही है, लेकिन मामले पर सत्ताधारियों और विरोधी दल कांग्रेस ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिससे हंगामा बरप सकता है। बताएंगे कि जिला पंचायत के प्रस्ताव पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, लेकिन पहले आप हमें ये जरूर बताएं कि क्या नेताजी के सम्मान में इटावा या फिर मैनपुरी का नाम बदला जाना चाहिए। आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं जिला पंचायत इटावा और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के, साथ ही मुलायम परिवार से लोगों का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। इटावा जनपद सदियों पुराना ऐतिहासिक जिला रहा है, जिसका नाम इष्टिकापुरी से इटावा रखा गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो समाजवादियों ने भारत रत्न देने की मांग रखी। इसी क्रम में अब इटावा के जिला पंचायत सदस्यों ने इटावा जनपद का नाम बदलकर नेताजी मुलायम सिंह के नाम पर मुलायम नगर रखे जाने की मांग की है और इसका प्रस्ताव रखा है। सिर्फ इटावा को लेकर ही प्रस्ताव नहीं रखा गया है, कुछ लोगों ने मैनपुरी का नाम मुलायम नगर रखने का दावा पेश किया है और दावा किया जा रहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव इटावा जिले में पैदा जरूर हुए, लेकिन उनकी कर्मभूमि मैनपुरी रही है। ऐसे में मैनपुरी को जो भी पहचान मिली है वो नेताजी की बदौलत मिली है, इसलिए मैनपुरी का नाम मुलायम नगर किया जाए। किसी भी जनपद का नामकरण करने के लिए किसी भी जनपद के प्रथम चरण में जिला पंचायत में प्रस्ताव पास कराया जाता है। इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव उर्फ अंशुल अध्यक्ष के पद पर हैं और सपा परिवार से उनका गहरा नाता है। 24 जिला पंचायत सदस्य हैं जो सभी समाजवादी पार्टी के हैं। बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें विकास कार्यों के तहत सभी अधिकारियों की मौजूदगी रही और उसमें कई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव सामने आया, जिसमें जनपद इटावा की विकास की चर्चा हुई। इस बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की गई। इसमें सभी सदस्यों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष और भरतना के सपा विधायक समेत बीजेपी के विधायक सांसद प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लेकिन इस बोर्ड मीटिंग की खास बात ये रही कि इसमें सभी जिला पंचायत सदस्यों ने इटावा जनपद का नाम नेताजी मुलायम सिंह के नाम पर मुलायम नगर रखने का प्रस्ताव रखा। इसी क्रम में इस बोर्ड मीटिंग में जिला पंचायत सभागार और जिला पंचायत कॉम्प्लेक्स का नाम नेताजी मुलायम सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास भी कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव उर्फ अंशुल ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से नेताजी का नाम और उनका समाज सेवा संघर्ष का जीवन रहा है, उनको भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इटावा की पहचान नेताजी मुलायम सिंह यादव से रही है। आज जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, जिला पंचायत सभागार का नाम नेताजी के नाम पर पारित किया गया है। जिला पंचायत आवास कैंपस भी नेताजी के नाम पर पारित कर दिया गया है। एक नए कार्यालय का निर्माण भी होने वाला है, उसका भी नाम नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर होगा। मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मैनपुरी उपचुनाव में प्रत्याशी रहे रघुराज सिंह शाक्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव कैबिनेट में जाता है, राष्ट्रीय नेतृत्व और कैबिनेट फैसला लेगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया है, तब उन्होंने किसी प्रकार की मांग नहीं की थी। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने कहा कि इटावा का ऐतिहासिक नाम है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और इस तरह से अगर नाम बदलने से विकास होता तो विकास का कार्य करें, इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर नाम रखने से क्या विकास हो जाएगा? जिला पंचायत का प्रस्ताव और कांग्रेस बीजेपी के विरोध के बीच मामला सियासी तूल पकड़ रहा है। ऐसे में देखना यह है कि मामला अब क्या सियासी गुल खिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।